बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द स्मार्ट स्कूल ग्रेड 1, द स्मार्ट रिसोर्स पैक, प्लूरल नाउंस। राइट द प्लूरल फॉर ईच नाउन। नीचे नाउन दिए गए हैं, उनके आपने प्लूरल लिखने हैं। अब आपको पता है कि प्लूरल बनाने के कौन कौन से रूल्स हैं। अगर वर्ड एस, एस एस, एस एच, सी एच और एक्स पे एंड हो तो उसके साथ हम ई एस लगाते हैं, और बाकी केसेस में हम उनके साथ सिर्फ एस लगाते हैं। सो वन, पेट, पेट्स, पी ई टी एस, पेट्स। टू, बॉक्स, एक्स पे एंड हो रहा है। जब भी नाउन या वर्ड एक्स पे एंड हो तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, ई एस। सो बॉक्स, बॉक्सेस, बी ओ एक्स ई एस। थ्री, एग, एग्स, ई डबल जी एस। फोर, डिश, एस एच पे एंड हो रहा है। सो जब भी वर्ड एस एच पे एंड हो तो उसके साथ हम ई एस लगाते हैं। सो डिश, डिशेज, डी आई एस एच ई एस, डिशेज। फाइव, ग्लास, डबल एस पे एंड हो रहा है। जब भी नाउन डबल एस पे एंड हो तो उसके साथ हम ई एस लगाते हैं। सो ग्लास, ग्लासेस, जी एल ए डबल एस ई एस। नंबर सिक्स, लंच, सी एच पे एंड हो रहा है। जब भी नाउन सी एच पे एंड हो तो उसके साथ हम ई एस लगाते हैं। सो लंच, लंचेस, एल यू एन सी एच ई एस, लंचेस। राइट अ सेंटेंस, यूज वन और टू ऑफ द प्लूरल नाउन्स यू रोट डाउन अबव। आपने एक सेंटेंस बनाना है जिसमें या इन नाउन्स का यूज करना है। I am putting glasses, glasses and dishes, dishes in boxes, boxes. I love my pets, full stop. Plurals, nouns. Circle the correct plural of each noun. अब हमने नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ रूल्स ऑलरेडी स्टडी कर लिए हैं। फर्स्ट रूल ये था कि हम नाउन के साथ सिर्फ आगे एस का इजाफा करते हैं, और दूसरा रूल ये था कि अगर नाउन सी एच, एस एच, एस एस और एक्स ई टी सी पे एंड हो तो हम उसके साथ ई एस ऐड करके उसका प्लूरल बनाते हैं। अब हम इस यूनिट में इररेगुलर प्लूरल्स पढ़ेंगे। What are irregular plurals? अब irregular plurals क्या हैं? An irregular plural noun is a noun that becomes plural in a way other than adding s or es to the end. ये एक ऐसा noun होता है जिसका हम plural s और es से नहीं बनाते, बल्कि कुछ और तरीके use करते हैं। नंबर वन, चेंज वॉवल्स। हम उस नाउन के वॉवल्स को चेंज कर देते हैं, यानी यहाँ वन गूज, इसका प्लूरल क्या है, गीज। अब हमने गूज में वॉवल ओ ओ को चेंज करके ई ई कर दिया है, सो गूज का प्लूरल बन गया है गीज। सो नंबर वन, हम कैसे सिंगुलर के प्लूरल बनाते हैं, चेंज वॉवल्स कर देते हैं। नंबर टू, एंडिंग वर्ड साउंड। जिस वर्ड पे नाउन की एंडिंग हो रही है उसी वर्ड के साउंड के मुताबिक हम उन सिंगुलर्स के प्लूरल बनाते हैं। नंबर थ्री, आपने इन सिंगुलर्स को प्लूरल बनाने के लिए ये सब मेमोराइज करने हैं और प्रैक्टिस करने हैं, तो आपको ये याद रहेंगे। सर्कल द करेक्ट प्लूरल ऑफ ईच नाउन। वन, गूज, गूज का प्लूरल क्या है, गीज। वॉवल ओ ओ को चेंज किया गया है ई ई में, सो गूज
गीज, गीज को सर्कल करें। नंबर टू फुट, फीट, ओ ओ को चेंज किया गया है वॉवल ई से, सो फुट फीट, फीट को सर्कल करें। थ्री मैन, मैन, वॉवल ए को वॉवल ई से चेंज किया गया है, सो मैन, मैन, मैन को सर्कल करें। फोर चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल क्या है, चिल्ड्रन, सो चाइल्ड चिल्ड्रन, ये भी इरेगुलर प्लूरल बनाने का एक तरीका है कि जो सिंगुलर दिया गया है उसके साथ हम कुछ वर्ड्स ऐड कर देते हैं। सो चाइल्ड, चाइल्ड और REN, सो चिल्ड्रन। राइट द प्लूरल ऑफ द वर्ड इन ब्रैकेट्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। फाइव द हिड इन द ग्रास, अब माउस का हमने यहां प्लूरल लिखना है, सो माउस का प्लूरल क्या है, माइस, सो हम यहां क्या लिखेंगे, माइस, MICE। प्रॉपर नाउन, अ प्रॉपर नाउन बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, जब भी हम प्रॉपर नाउन लिखेंगे वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा। अब व्हाट इज अ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन इज अ स्पेसिफिक गिवन नेम, फॉर एग्जाम्पल किसी भी शख्स का नाम सलमान, आयशा, ETC एक्सेट्रा, किसी भी प्लेस का नाम लाहौर, कराची, इज अ प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल आयशा लिव्ड इन ठट्ठा, सो आयशा इज अ प्रॉपर नाउन, सो इट विल बिगेन विथ अ कैपिटल लेटर, एंड ठट्ठा इज द नेम ऑफ अ सिटी विच इज अ प्रॉपर नाउन, सो टट्टा भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। प्रॉपर नाउन सेंटेंस में जहां भी आए वो हमेशा हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे। री राइट द सेंटेंसेज एंड कैपिटलाइज द प्रॉपर नाउन्स, अब आपने इन सेंटेंस को दोबारा लिखना है करेक्ट फॉर्म में और प्रॉपर नाउन्स को कैपिटलाइज करना है। सैम वेंट ऑन अ वेल वॉच, अब सैम इज अ प्रॉपर नाउन और ये सेंटेंस का बिगिनिंग भी है, सो सैम का एस कैपिटल, सैम वेंट ऑन अ वेल वॉच फुल स्टॉप, और सैम प्रॉपर नाउन है। नंबर टू शी एंड सारा गॉट टू द डॉक लेट, सारा इज अ प्रॉपर नाउन, सो इसको हमने कैपिटल एस से लिखना है, सो शी, शी का एस भी कैपिटल क्योंकि ये सेंटेंस का बिगिनिंग है। शी एंड सारा, सारा का एस कैपिटल बिकॉज सारा इज अ प्रॉपर नाउन, गॉट टू द डॉक लेट फुल स्टॉप। व्हाट इज अ डॉक, अ प्लेस वेयर शिप्स लोड एंड अनलोड। थ्री दे वेंट टू स्कूल ऑन मंडे, सो दे वेंट टू स्कूल ऑन मंडे फुल स्टॉप, दे का टी कैपिटल बिकॉज इट इज द स्टार्टिंग ऑफ अ सेंटेंस, और इस सेंटेंस में कोई भी प्रॉपर नाउन नहीं है। नंबर फोर डिड अली सी द शिप इन द वॉटर क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन है सो इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, सो डिड अली, अली का ए कैपिटल बिकॉज अली इज अ प्रॉपर नाउन, किसी बंदे का नाम है। सी द शिप इन द वॉटर क्वेश्चन मार्क। नंबर फाइव वन शिप केम फ्रॉम पेरिस, सो इस सेंटेंस में पेरिस प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये एक सिटी का नाम है, सो पेरिस को हम कैपिटल पी से लिखेंगे। वन शिप केम फ्रॉम पेरिस फुल स्टॉप, वन का ओ कैपिटल क्योंकि ये सेंटेंस का स्टार्टिंग है, और पेरिस का पी कैपिटल क्योंकि पेरिस प्रॉपर नाउन है। वर्ब्स, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन, व्हाट इज अ वर्ब, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, वो वर्ड्स जो हमें कोई भी काम होता हुआ दिखाएं, एग्जाम्पल पुल, जंप, प्ले, विन, रन, इन सब वर्ड्स में कोई ना कोई काम
होता हुआ दिखाई दे रहा है. राइट अ वर्ब फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस. अब इन सेंटेंसेस में आपने इस बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं उनसे वर्ड्स लेकर इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है. नंबर वन, माय फ्रेंड्स एंड आई प्ले गेम्स. प्ले गेम्स. नंबर टू, वी रन टू द गेट. रन टू द गेट. नंबर थ्री, असद जंप्स ऑन ट्रैम्पोलिन. असद जंप्स ऑन ट्रैम्पोलिन. नंबर फोर, वन टू थ्री पुल. पुल मीन खींचना. वन टू थ्री पुल. नंबर फाइव, सना विंस द बिग रेस. विंस. सो सना विंस द बिग रेस. थैंक यू किड्स फॉर वॉचिंग. सी यू अगेन सून विद अनदर वीडियो. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.